शुरुआत अभी है खुशी मामू की तरफ से आपके माशाल्लाह ये हमारे रशीद मामू के पोतरे के लिए जो कारोबार शुरू किया गया है और एक हलाल रोज़ी का ज़रिया और एक हलाल कारोबार जो है शुरू किया गया है, हमारी सबकी तमन्ना है कि अल्लाह ताला इस कारोबार में बेइंतहा बरकत अता फरमाए और तमाम शहर वालों का इसमें ताउन रहे, सबका रुजू इधर हो और खाना खिलाना खुद एक इबादत है, अल्लाह ताला उनके इस कारोबार को इबादत भी बनाए और सही तरीके पर और हलाल तरीके पर कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए। उनके हमारे पोते से फरदीन है, दोनों पार्टनर बेचारे माशाल्लाह फरदीन पे दिए फरदीन हाँ फरदीन और नुमान दोनों मिल फरदीन और नुमान ये दोनों नौजवान मिलके माशाल्लाह ये कारोबार कर रहे हैं। हम जो ये चाहते हैं कि दोनों भी आपस के बिल्कुल जोड़ के साथ मोहब्बत के साथ इस कारोबार को परवान चढ़ाएँ। तबरेज़ के बेटे ये हमारे मामू के पोतरे हैं। हाँ जी बेटे तबरेज़। मौलाना साहब एक सवाल ये है, आज के माहौल में जो बच्चे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं उनकी सोच रहती है कि हमें आसानी से नौकरी मिल जाए, यानी नौकरी की तरफ जहन मायल होता है, जबकि तिजारत में 99% बरकत है, तो नौजवानों को रहनुमाई देंगे आपके तिजारत को क्यों करना चाहिए और कितनी अफजल बात है? दरअसल ये कि जितने पैगम्बर गुजरे हैं तमाम पैगम्बरों ने तिजारत की है और ख़ुद हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी तिजारत की है और तिजारत में बरकत है और हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो तिजारत की तरफ आगे बढ़े, अल्लाह ताला उनकी जो है तो बेहतरीन उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनकी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। रशीद मामू कॉम्प्लेक्स जो बना है उसमें मेरा बेटा तबरेज़ का, मेरे दोनों बेटियों का डॉक्टर इशरत डॉक्टर शाइस्ता इनकी दुआएँ भी साथ, बच्ची का मिसेज का हमारे साथ और तबरेज़ की मेहनत रही और तबरेज़ के बेटे नुमान खान दानियल है और नवासा मेरा रुजैन दूसरा फरजैन ये सब पूरे रासिल ये सब लोगों के साथ है, दामाद मेरे डॉक्टर इमरान खान सिराज पटेल ये सब खानदान के साथ और बिल्डिंग बनाने में मेरे तबरेज़ की ज़्यादा मेहनत रही है काम करने के लिए, अपन तो खैर कर देते हैं ज़मीन हो जाता लेकिन बनाना उसको, उसी के साथ साथ उनके बेटे और मेरे दोनों भाइयाँ हैं, तीनों चारों पाँचों भाइयाँ हैं मेरे, वहीद खान है समद खान है जावेद खान है वाजिद खान है और फरीद खान है, तो भाइया साथ में हैं और भांजे मेरा आदिल खान पूरे लोग मेरे दामाद आए भी आए हुए यहाँ पर मेहराज ये सब पूरे लोग, तो ख़ानदान के लोगों का भी सपोर्ट सबका साथ रहना चाहिए। तो मैं कहूँगा जहाँ इत्तेफाक है ख़ानदान अगर एक जगह है तो अपना इत्तेफाक है और वैसे इत्तेफाक के अंदर मेरे पोतरे ने उनके दोस्त ने मिल के डाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि कामयाबी मिले। जैसा भाई साहब ने अभी कहे कि नौकरी की तरफ देखते हैं साहब, अगर हमारी कौम में अगर मस्जिद के इमाम को हम 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह दें तो मुसलमान खुद लाइन लगा के खड़े रहेंगे, पहले हम में भी तो कमजोरी है हम इमाम को 10-15 हज़ार दे देते हैं वो भी कई 8-8 हज़ार, अगर हम ये सिस्टम डालें कि अपने इमाम को हम 80 हज़ार 1 लाख दे तो फिर नौजवान मस्जिद सामने खड़े रहेंगे, गैर कौम पूछेंगे कौन खड़े हुए तो ये नौकरी के लिए खड़े हुए हैं। मेरी राय ऐसी है सब सही है गलत है मालूम नहीं भाई, आप तनख्वाहें बढ़ा दीजिए उनको तो फिर काम होगा हर जगह नौकरी में। आज ये बिजनेस में करे हैं मंदी शॉप खुले हैं और ये यहाँ पर जो कारागिर है वो मंदी का एक्सपर्ट कारागिर है मजीद भाई, मजीद ये यमनी ने यहाँ पर औरंगाबाद में डाले थे जूना बाजार में, ये उनके हाथ के नीचे सीखे हुए हैं और ये बेहतरीन कारागिर है और मंदी के स्पेशलिस्ट है, तो मंदी का कारोबार इन्होंने शुरू किए। तो मंदी में ऐसा है कि आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर देने के बाद ही वो बनता है, गरम गरम खाने के लिए भी मज़ा आता है और ये अगर प्रोडक्ट चल गया तो दूसरे और भी शुरू करेंगे। और अभी हमारे दामाद साहब सिराज पटेल साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दुबई से एक बहुत बड़ा कारागिर है जो 20-25 साल से वहाँ काम करते हैं अब बेंगलुरु आ गए हैं तो उनको भी एक महीना भर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि महीना भर आकर के काम करें। यहाँ का एड्रेस है रशीद मामू कॉम्प्लेक्स आरके मंदी शॉप हबीब कॉलोनी बिरबाई पास। मामा एक सवाल है, आप बाप हो रह चुके हैं और आपके बारे में पूरा शहर जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे पढ़े लिखे साहिब हैसियत है, आप एक सक्षम है, आखिर क्या वजह है कि एक सरकारी नौकरी तरफ न जाते हुए आपने आपके बच्चों को एक कारोबार की तरजीह दी, क्या वजह हो सकती है जबकि आपके बच्चों को नौकरी लगा सकते थे आप? साहब एक बात यह है कि बिजनेस के अंदर कभी भी हाथ ऐसा रहता है, गवर्नमेंट सर्विस का आप पूछ रहे हो यूँ है चाहे रिश्वत में बोलो तगा का वो यूँ, तो वो मैं यूँ नहीं चाह के मैं चाह रहा हूँ यूँ रह जाए, इसलिए मैं कौम से जाता हूँ बच्चों कि आप यूँ रखो यूँ मत रखो। आरके मंदी हाउस आज आपने शुरू किया है, क्या स्पेशलिटी है, कस्टमर ने यहाँ पे क्यों आना चाहिए? देखिए हमारे पास तो सबसे पहले एक यमनी से सीखे हुए कारागिर है और अपने पास रेट भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह, 1400 रुपये में बकरे की है और 900 रुपये में चिकन की है और स्पेशल यही है। कितने लोग खा सकते हैं एक मंदी? एक फुल में 4 लोग खाते हैं आराम से।
जी। अच्छा, रेस्टोरेंट देखा जाए तो फैमिली ज़्यादा आती है, जी मंदी अगर कहा जाए तो यहाँ पे फैमिली का इंतजाम है क्या? है, फैमिली सेक्शन भी है ना, फैमिली सेक्शन भी है, सब है। उसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग अपना सुबह दोपहर में 2 बजे तक ऑर्डर देना है, शाम में 7-7:30 बजे आपको मंदी मिल जाएगी। और दूसरा क्या आपके पास है मंदी के अलावा, या सिर्फ अभी स्पेशल मंदी? अभी स्पेशल मंदी ही है, अभी आगे चालू करना है। और सर अगर घरों में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो उसकी भी सहूलत? हाँ जी जी, ऑर्डर लिए जाएंगे। जी जी, ऑर्डर लिए जाएंगे। पार्सल की सुविधा है? पार्सल की सुविधा भी है, सब है, फैमिली सेक्शन भी है सब। कॉन्टैक्ट नंबर 9881311786। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस रशीद मामू कॉम्प्लेक्स, हमीद कॉलोनी, बिड़वा पास रोड, औरंगाबाद।